हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 6:41। यस, आज हम जल्दी उठ गए थे। ऐसा नहीं है कि मैं पूरी रात से जाग रहा हूँ, मैं अराउंड रात को सो गया था कुछ 2:15 बजे, और 4 साढ़े 4 घंटे की मैंने नींद टाइप्स ली है, और मेरे को मतलब अब नींद आ नहीं रही अब, और स्केड्यूल थोड़ा सा खराब हो गया, बट आज से कोशिश करेंगे उसको ठीक करने की। कीरत भी उठ की है, उसकी पूरी दिन की वर्कशॉप है आज, ऑफिस से छुट्टी है उसकी, बट पूरी सीपे की वर्कशॉप है पूरे दिन की, और मैं कुछ खाने के लिए बनाने लगा हूँ, तो मैंने कहा आपको हेलो है तो कर लूँ पहले। और किचन पूरी साफ है, कल रात को मैं पूरी किचन साफ करके सोया था ताकि सुबह भी साफ साफ लगे। वो सारे ग्लासेस भी जो पड़े हुए हैं यहाँ पे, जगह नहीं थी रखने को, बट ये भी सारे धुले हुए हैं। तो जनरली आप लोग सारे बोलते हो कि रेसिपी जरूर शेयर किया कर, तो मैं आज वो कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, बेसिकली पैनकेक का ये मिक्स है जो मैं यूज करता हूँ। शक्ल सही है, फ्लफी लग रहा है। अरे क्या बात है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं उठ गया हूँ और मैं नहाने वाली थी, लेकिन फूफू ने बहुत टेस्टी टेस्टी पैनकेक्स बनाए हैं, तो मैं खा के जाऊंगा। बाय द वे, मैंने कहा आपको बता दूं, आज संडे है, तो संडे को भी मैं सुबह सुबह बैठ गया हूँ देखने के लिए कि क्या क्या काम पेंडिंग है, कौन से मेल्स हैं, एक वेबसाइट का काम है वो करना है। दिन शुरू करते हैं। कुकू भी आ गया। कुकू नहाए? यस। झूठी नहीं है। कुकू ड्राई क्लीन हुआ है। किरत आई? यस, नहीं ड्राई क्लीन हुआ। यहाँ चल जाते वहाँ नहीं चलेगा। वेलकम टू द सेकंड डे ऑफ द वर्कशॉप। माय नेम इज कीरत एंड आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय टीम, केविन, जसप्रीत, मरियन एंड मेगन। वी विल बी टॉकिंग अबाउट। हेलो। सो 15 मिनट की ब्रेक मिली है फूफू, मेरी प्रेजेंटेशन हो गई, ठीक गई थी, सबने कहा सुन रहा था मैं। सेशन लीडर ने कहा एक्सीलेंट। मैडम प्रेजेंटेशन बाहर दे रही थी, अंदर मैंने मार्किंग दे दी थी, मैं कहा डन है, ठीक है। नहीं नहीं अच्छा गया था। हां थैंक यू। हाँ वरना मैं तेरे को बोल देता हूँ। सो क्रिटिक वाइज गाइस, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कीरत सर, पूछ लो इससे। बहुत ज्यादा मैं रोने निकाल देता है गाइस, रोने मतलब। आई एम अ ट्रेनर बाय हार्ट, सो मैं जेन्युइन फीडबैक देता हूँ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स पुराने भी होंगे वो भी बता सकते हैं कि जब मैं इंटरव्यू की भी ट्रेनिंग लेता था ना गाइस, मैं बहुत स्ट्रिक्ट टीचर था, मतलब बहुत ज्यादा। बट मैं जितना इंप्रूव हुई हूँ लाइक इंटरव्यूज, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती हूँ, बहुत ज्यादा, एंड अभी भी होती हूँ, एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अब मतलब कि काफी ज्यादा डेवलप हो गया है, एंड आई फील रियली गुड। अगर आप अपने इंटरव्यू स्किल्स बेटर करना चाहते हो तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, एक वीडियो है जाके यूट्यूब पे, वो जाके देखो। मेरी 2 घंटे की बेसिक इंटरव्यूज की जो क्लास है वो मैंने 20 मिनट की वीडियो में कवर की है। मुझे मैसेज मत करना, वो वीडियो जाके देखना, वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि अभी मतलब मेरे पास ऑनेस्टली टाइम नहीं है कि मैं वर्कशॉप्स ले सकूं इंटरव्यू पे, तो वहां पे मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा, बट वो वाली वीडियो काफी ज्यादा हेल्प कर पाएगी। वो वीडियो को स्लो करके होमवर्क वोमवर्क करना, निकल जाएगा इंटरव्यू, हो जाए भाई, हो जाओगे पास। बड़े ही कैट के बच्चों को इसने तैयारी करवाई है। ये इंडिया में होता था और यहाँ पे मैं बर्तन धो रहा हूँ। जस्ट किडिंग गाइस, तो ये ऑनलाइन भी सेशन चलते हैं थे, अब तो मतलब काफी टाइम हो गया मैंने नहीं लिया। अब आई थिंक टाइम ही नहीं मिलता। अब टाइम की भी इतनी शॉर्टेज है, इतना एक इंसान क्या क्या करे। अब बट इंटरव्यू वीडियो वाली जरूर देख लेना। मैं सोना चाहता हूँ, अब मेरा लंच टाइम है, क्या कम कम भाई, लेट्स हैव समथिंग। मैं सोना चाहता हूँ। व्हेन शी इज सेइंग लेट्स हैव समथिंग, इट इज कम कम, यू मेक समथिंग, आई विल हैव इट। ये पता है, ये यहाँ इसके, ये हाँ इसके नीचे चाटा बजाऊंगा ना जोर की, ये तेरे पर देता है। गाइस मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें जिंदगी में किसी से डर नहीं लगता, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कुंवारे हो तुम। अगर तुम्हारी शादी हुई है तो तुम्हें डरना बनता है। आपको पता आज हिसाब हुआ है हमारा? ओ आज हमारा हिसाब हुआ, दिखाता हूँ आपको। आज हमारा सारा हिसाब हुआ है, वो डायरी लेके आई जिसमें मैंने तेरे फाइनल पेमेंट लिखी है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसे मान लो ये क्या है,
ये कुकू ने ऐसे $20 लिखे हुए हैं, ये तो छोटे मोटे हैं, बड़ी वाली पर्ची का है, जैसे एक $400 हो गए कुकू ने मुझे देना था। फिर ये देखो, ये $2470 कुकू ने मुझे देना था। उसके पीछे कुछ लिखा हुआ था, मैंने लखा क्या हुआ था, हुआ था तूने करा 550। बाबू एक मिनट, ये पहली बात तो सीपीएस स्पॉन्सरशिप है, मैं कर ही नहीं रहा। तूने मेरे को और दूसरी बात वो ये तेरे 1400 ना ऐसी नहीं बने, एक तेरी 1400 की पर्ची डाली है, वो अलग है। क्या बात कर रहा है, इतनी झूठी औरत है ना, हर बार मुझे ठगती है ये, पता नहीं कौन सा मतलब। सीपीए का मतलब पता क्या है, सी से तुम समझ लो और पी से मतलब है पागल और ए से मतलब है एबिलिटी, ये मतलब है सीपीए का। लेवल 4 पे पहुंच गए, काटती रहती सबका। नहीं नहीं, इस पे भी 550 लिख दे, ऐड करके माइनस करके मुझे बता दे टोटल, मुझे तूने मुझे कितना देना है। 550 प्लस, हां माइनस 550। अबे गवार, इसमें प्लस कर रही है, इसमें माइनस कर रही है, एक ही जगह कर रही है तो 1100 बन जाएगा। तू काहे की सीपीए कर रही है? नहीं, यहां पे कितना लिखा हुआ है, ये मेरा है बाबू, $58 प्लस 5647, ये मेरा अकाउंट है, ये वाला तेरा है, इसको ऐड करके इसमें माइनस करके इतने पैसे तूने मुझे देने होंगे। तो ये ऐड हो गया। तो एक काम कर, सीपीए की इंटर्नशिप छोड़, इंडिया जा, राशन की दुकान पे बैठ, इतना वो सिखा देंगे तुझे। दिस इज यू, हाँ फियांशु, दिस यू हैव टू पे मी, दिस आई हैव टू पे यू। अच्छा ठीक तो है, दिस माइनस, तो यहाँ पे 550 ऐड कर लेना तेरा। अबे तू इसमें कर तो रही है 550 ऐड, इसमें मेरा माइनस हो जाएगा ना, कि दैट्स आई हैव टू पे यू। हे किरण, मैं तेरे को बता रहा हूँ, बड़े बड़े कमेंट्स आएंगे नीचे। 550 एक ही जगह ऐड करेगी ना, या तो इधर माइनस कर दे, या तो इधर प्लस नहीं कर रही ना फिर। हाँ नहीं, उधर प्लस नहीं कर रही, इधर ऐड कर रही है। फिर जब ये क्यों नहीं काटा, तो ये काट रही हूँ। ओ भाई, ये क्या, ये कौन सा पेन है तेरा, ये क्या है, सीपीए वालों का पेन होता है, कोई काट करो ना मिटा सकते। ये क्या हरकत है, ओ भाई व्हाट द हेल, ये कौन सा पेन है भाई, इरेजेबल यार, इतना स्मूथ तो मैंने, और ये ऐसा नहीं गाइस, नकली नहीं है ये मेरे तो सारे, इससे कभी साइन मत करना ओके, मुझे तो लग रहा है पर्चियों पे खपड़े हुए हैं। मेरा तो विश्वास हट गया इधर से, मेरा गुगु आई लव यू भाई, पीछे हो जा तू, लड़की ठीक नहीं है, सच कह रहा हूँ मैं, मेरे को आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस हाउस। मेरे को लगता नहीं शादी में मेरा कुछ फायदा हो रहा है ज्यादा, पूरी दुनिया को लगता है कि कुकू है, असली लोगों को सारा पता ही नहीं कि कौन सब कुछ कर रहा है। कर अबे मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा, माइनस माइनस 550, हाँ ये बना श्री साहब, 3440 मुझे दे दे, और 1000 मैंने तेरे को पिछला देना था, हाँ ठीक है, तो 2440 का हमारा टोटल हिसाब बना है, है? तेरे को शर्म है, कुछ कुछ बची है तेरे में, अभी टोटल सारा हिसाब सुबह हो गए, ठीक है, तुम्हारे सामने 5-6 हजार से शुरू हुआ था, कर करके सारा ऑफ सेटल हो गए, जो भी पुराने हिसाब थे सब कर करके हमारा 2400 बनता है, जो कीरत ने मुझे देना है उसे पर्ची पे साइन कर दिया इसने, 2440 का, ठीक है, सब कुछ इधर उधर का ए टू जेड, जो फूफू मेरे को खाना बनाता है उसकी टिप्स, शर्म कर ले यार, पूरा मुझे टिप्स कैसे दिए खाना बनाने की, मैं तुम्हारे सामने कितने टाइम से खाना बना, इसकी टिप है $3 $10 $11 ऐसे दे रही है, मेरी टिप्स पता कैसी है $20 $50 $20 इतने ठगे, और चलो अभी छोड़ो इसका दिमाग देखो, इतने भाई है, मतलब मेरे को लग रहा है हेरा फेरी 3-4 में इसको लेना चाहिए अक्षय कुमार के साथ, मतलब कहती $2400 इसने मुझे देने, कहती मैं तेरे को अभी ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है, और इसने किसी और के भी 2000 देने हैं, कहती उनको तू 24 में से अपने 2000 दे दियो, हिसाब सबका डी अंदर ना हो गया ना, ये 15000 किसी भगवान के, ये किसी भगवान या पैसा मोबाइल को दीजिए, और ये आपको नहीं चाहिए, मैं रख लूं भाई, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, और जो देखते रहे नए लोग हैं उनको भी बता देता हूँ, एक बार क्या हुआ, हमारा हिसाब था इसने 3.5 लाख देने थे, मैं सबको क्लियरिफाई, कहती जब हिसाब जनवरी में हुआ, कहती कि हाँ हाँ डन है, मैं कहा ठीक है, 350 की मैंने फिगर लिख ली, ये तेरे को भेज रहा हूँ मैं किसी नोट या मेल में, मेरे को भेजा, 2 महीने बाद कहती अब मेरे को दोबारा से हिसाब करना है, मैं कहा मुझे थोड़ी याद है, मुझे तो फाइनल फिगर याद है, कहती नहीं मैं दूंगी नहीं, मैं कहा चल ठीक है तू हिसाब कर ले, मुझे बता दियो कि कितना तेरे को लग रहा है, मुझे लगा 350 है, 330 340 पे पहुंच जाएगी, हिसाब पता क्या लेके आई है, कहती अब मैंने तुझे वापस इससे हिसाब किया, कहती अब तूने मुझे 1,20,000 दे लिया,
इतनी ठगी औरत है। मैं जितने हस्बैंड वाइफ है मैं कहना चाहता हूँ हिसाब रखो, हिसाब रखो। मैं अपने लिए गाना डेडिकेट करना चाहूंगी। एक 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 और एक कीरत की फ्रेंड कहती कहती सो यू गाइस मस्ट बी हैविंग अ जॉइंट अकाउंट ना। मैं कहा जरूर, मैं कहा मैं बैंक अकाउंट इसका रखूं मेरे सारे पैसे उड़ जाए कल कल में। पत्नी हूं ना मैं तेरी, हक होता है इतना सा। पत्नी है सपोली मत बन छाती के सांप। और बोल ना ए कपिला दूध पिएगा। और बाय द वे बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो भाई हस्बैंड एंड वाइफ में हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में बहुत देर से हो रहा है, हमारे बीच में कब कितने साल हो गए बुबी। मैं भाई सुन मैं मरते जन तक तेरे साथ करूंगा हिसाब किताब। मैं तो खुद करूंगी, मैं अपनी मम्मा के साथ हिसाब करता हूँ। मेरे को भी हिसाब किताब करना अच्छा लगता है। देखो तुम हिसाब एक अलग चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी के लिए गिफ्ट ले रहा है तुम वो हिसाब नहीं करते कि मैंने तेरे लिए खर्चा था तू मेरे लिए उतना कर नहीं। बट अगर कोई कहता है कि भाई ये मेरी मनी है और तेरे को उधार चाहिए तुझे अपना बिल पे करना, क्योंकि और हम सब इंडिपेंडेंट है, आई डोंट नीड कीरत्स मनी एंड कीरत डजंट नीड माय मनी, ठीक है। तो तुम अपना खर्चा खुद कर सकते हो। अपोजिटली मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरी मम्मा है वो अपना बिजनेस करते हैं, तो उनको कभी कर मान लो 2 लाख रुपए चाहिए तो मैं उनको दे दूंगा, पैसे थोड़ी कि मैं उनसे 2 लाख रुपए वापस नहीं लूंगा, वो मेरे बिजनेस के। बाकी देखो ये पर्सनल चॉइस होती है, जिसको हिसाब करना होता है वो कर सकता है, जिसको नहीं अच्छा लगता वो अपना नहीं करते। और बाकी देखो मैं हूँ नेहा धूपिया, इट्स माय चॉइस, इट्स हर चॉइस। कल फ्यांचू ने इतना स्वाद रात को पनीर बनाया है, यम्मी। मैं अंदर फ्यांचू कढ़ाई रख रही थी, मैंने खाया, मैं करते करते इतना खा गई तभी मुझे कम लग रहा है। काफी खाया था मैंने। ब्रेक खत्म, सो आई गॉट गो बैक अनदर 4 hours. Now it's your turn to tell me what you're up to. सो गलत लेवल पे एग्जॉस्ट हो गया हूँ मैं, और शाम को भी जाना है हमने कहीं, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मैं थोड़ा सोऊंगा, अदरवाइज शाम का जो सीन है वो खराब हो जाएगा। सो सोने जाऊंगा मैं थोड़ी देर, 1-1.5 घंटा। फाइनली मीटिंग खत्म हो गई है, नाउ आई एम गोना गो टेक रेस्ट, थोड़ा सा नैप सोच रही हूँ ले लूँ, एंड देखते हैं बहुत सारा काम भी करना है। आई हैव टू डू माई नेल्स एज वेल, बहुत देर होगी मैंने अपने नेल्स नहीं किए, हैव बीन सो बिजी, बट आज पक्का करूंगी बिकॉज देयर इज समथिंग स्पेशल। फूफी मैं कौन सा कलर लगाऊं, कुछ न्यूट्रल? नहीं कर रही है तो कुछ तड़क भड़क हो जाए, क्योंकि आज काफी टाइम बात कर रही है तू। पता नहीं क्यों मेरे पास तड़क भड़क है भी, लेकिन एट द एंड मैं न्यूट्रल सा कर लेता हूँ। फिर न्यूट्रल कर ले भाई, क्या सामान है तो ये भी कितना अजीब सा लग रहा है, नेल्स वाइट है, वो कलर बताता है ना कितने ऑकवर्ड लग रहे हैं ये सब, ऐसे ऐसे तो लोगों के काट काट के रख रही है। बड़े दिनों बाद कर रही हूँ मैं, वरना तो हर 2 हफ्ते बाद करती थी। गाइज अगर आपने कीरत की फुल नेल आर्ट वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना, आई बटन पे लिंक होगा। इसे फुल डिटेल्ड वीडियो बनाई थी कि कैसे करना है आपको घर पे और पैसे कैसे बचाने हैं। That's right. और जो भी ये यूज कर रही है ये सारी चीजों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इफ यू वांट टू बाय इट यू कैन, द सेम ब्रांड। सो ग्रीन टी फॉर मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, हेलो कुकू का 1 हैंड अभी हुआ है, मैंने अपने पुराने वाला बेसिक सा कर लिया है, यही मेरे को हमेशा हर बार यही पसंद आता है। तड़क बड़क कलर भी बहुत है मेरे पास, बट आई कीप ऑन डूइंग द सेम बेसिक न्यूड शेड दैट गोज विद एवरीथिंग। सो फूफी हम इतना तैरते रोके कहाँ जा रहे हैं? गाइस हम जा रहे हैं एक फोटोशूट के लिए, ठीक है, मैडम का वैलेंटाइंस का फोटोशूट है। ओह माय गॉड। एंड अगर आपने हमारी क्रिसमस टाइम की पिक्चर्स को लाइक किया, जो आपने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया लोगों ने, हमने उन्हीं के साथ दोबारा से कोलैब किया है, एंड आई जस्ट लव दैट फोटोग्राफर। मैं थोड़े से आपको बिहाइंड द सीन्स भी दिखाऊंगा, मैं आंख बंद करके कह सकता हूँ दैट शी इज द राइट पर्सन फॉर एनी काइंड ऑफ फोटोग्राफी, शी इज टू गुड। दैट्स राइट, आई एम सो एक्साइटेड। मटर गश्ती खुली सड़क में पगड़ी, तड़क भड़क में ओले गिरे सुलग, इट्स लाइक सुलगते से सड़क में, अमेजिंग ट्री न थी बगल में आया ही ना।
So we are done with the shoot. It was amazing. Like always, I would still suggest you, if you guys want to have a mini photo shoot for Valentine's, for that romantic pictures like Kirat and I post, here's her Instagram ID and the link will be in the description. You can just message her, contact her and fix your photo shoot, and it's gonna be really amazing for sure. So दोस्तों photo shoot हो गया है और मैंने और Kirat ने decide किया कि 60,000 की celebration के लिए कहीं dinner donor पे जाया जाए. तो हम जा रहे हैं Tasty Indian Bistro, Yale Town. सरी में भी है, बट फिर मेरा दिल था कि यार वैंकूवर तक की गेड़ी हो जाएगी तो चलते हैं. हमें आपको आपको पता ही चल ही गया होगा, हमें गेड़ी को बहुत शौक है. इसी बात पे इरशाद कोई गाना हो जाए. मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़िया पिघलाएगा. बाबू के बोझ में झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया. लब का मेरे यारों का कर के तो गया जवानी भी तेरी. इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता. चले तू समझा, चले तेरा कोई नहीं. चलना गली क्यों चलती है हवन, क्यों चलती है 99% मार्क्स आओगे तो गली बहुत अच्छे मैक्स लेकर पढ़ा लो. ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता, इसमें तेरा घाटा. आ गए हैं ये टाउन में टेस्टी इंडियन बिस्ट्रो में. अकल में के भागे हम या भीगे हम, अकड़ में तो सोचा. गाइस हम आए टेस्टी इंडियन बिस्ट्रो ये टाउन वाला, एंड बहुत अमेजिंग लग रहा है. और खाने में जो खुशबू आ रही है यहाँ पे, तंदूरी तंदूरी बढ़िया. सरी वाले में तो मैं बहुत बार गई हुई हूँ. आई नेवर केम टू येल टाउन, तो मैंने सोचा कि चलो गेड़ी भी हो जाएगी और येल टाउन वाला टेस्टी इंडियन बिस्ट्रो भी देख लेंगे. लुक्स गुड. दिस इज स्पेशली रिकमेंडेड बाय देम. वेजिटेबल मंचूरियन. या really nice. Yeah. Oh. Thank you. Congratulations. Congratulations. For 60K family. Yay. So we met Taran, a subscriber. Hello. And Taran has wished us 100K soon. We guys can cross like 60K. Thank you so much. Congratulations for that. And I really want to see 100K within a month or two. Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. Chahe zanana ya mardana. I saw you from back and I was like, oh, this she cute. Really cute. Like, seriously. सबने सब्सक्राइब किया है? Yeah. Yeah. पक्का? Yeah. बहुत पहले का. मैं रो दूंगा अभी. अच्छा. ये शर्माती हुई लड़के हैं. क्या क्या नाम है सबके? रवनीत. नेहा. परनीत. गुरलीन. ये बताओ. तुम क्या कर रही थी रात को? ये सब कर रहे हैं. जवान कर रही हूँ. जवान बच्चों को बोल रही है, तुझे कर रही है. अच्छा पहले सारे हमें कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो. आज हमारे 60K हो गए. तुम्हें ऐसे सोचा नहीं, वरना तो ये घर पे ऐसे ही होते नमूने से तैयार क्यों हुए हुए. वो कह रही सोचा तो था. अरे So guys, हम घर पहुंच गए. बहुत ज्यादा थक गए, बट आज वीडियो बंद करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ थैंक यू सो 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 मच इतना सारा चैनल को प्यार देने के लिए. हम लोग आपकी वजह से इतनी जल्दी 60,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए. सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग अस. बस थैंक यू सो मच गाइस. कुकु बहुत ज्यादा थक गया है. कुकु का इतना लॉन्ग डे था, अब कुकु सोएगा. ओके बाय बाय. बाय. गई झांसा ए वे मुझे फांसा.